नमस्कार। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम आनंदाली परिवार की तरफ से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति दो पंक्तियों से करना चाहती हूँ। योग दिवस पर आइए कर ले मिलकर योग, योग दिवस पर आइए कर ले मिलकर योग, तन को चुस्त बनाइए काया रखे निरोग। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से जानते हैं योग और योग दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने आयोजित किया गया था। इस घटना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। क्या आपको पता है 21 जून का दिन ही क्यों चुना गया? नहीं, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। क्योंकि इस दिन हमारे भूभाग में सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का समय सर्वाधिक होता है। इस दिन हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। यही कारण है 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया। अच्छा। इस वर्ष योग दिवस का थीम है योगा फॉर वेलबींग, जिसमें योग दिवस का लोगो शांति और सद्भावना को दर्शाता है। योग का अर्थ है एकता और बांधना। योग शरीर मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का साधन है। योग एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम शरीर मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना सकते हैं और किसी भी उम्र में इसका लाभ उठा सकते हैं। स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन में भरे जोश और उमंग। तो आइए योग दिवस की शुरुआत हम आनंदालय के विद्यार्थियों अभिभावकों द्वारा बनाए गए चलचित्र से करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ध्यान एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द वेरिएशंस ऑफ वज्रासन एंड पद्मासन। करो योगा बनो योद्धा। सभी लोगों से मेरी यही है बात, सब लोगों का एक समाधान योगा करो सुबह और शाम। आज से एक नियम बनाओ, योग करो जीवन में योग अपनाओ। प्राणायाम ऑफ लाइफ, इनहेल लव एक्सहेल वरी। योगा से ही होगा। योग को अपनाओ, रोग को भगाओ। प्रतिदिन करो योग, आजीवन रहो निरोग। सर्पासन, धनुरासन।
हृदय keeps illness away. योग करें और निरोग रहे। योग इज अ यूनियन ऑफ आवर बॉडी माइंड एंड सोल। इट इज अ कंप्लीट एक्सरसाइज अलोंग विद कामिंग इफेक्ट ऑन आवर माइंड। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे अभिभावकों और विद्यार्थियों के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको।